In this question, we want to calculate the in radius of a circle. So, in radius क्या होती है? इसे हम small r से represent करते हैं. और हमें क्या given है कि ये equilateral triangle है. यहाँ side क्या है? Side of triangle equal to what? 6 centimeter. Now, अब इसने क्या करा? हमने एक in circle draw कर लिया है. Let's say O क्या है? उस in circle का center है. अब हम क्या करते हैं? इस center को A को O से join कर देते हैं. O से join कर दिया. Similarly, B को भी O से join कर लेते हैं. And C को भी O से join कर लेते हैं. तो ये क्या करा? मैंने तीनों को join कर दिया. Now, अब क्या है? अब जो ये circle है, ये क्या है? तीनों sides को touch कर रहा है. तो touch कर रहा है, it means AB क्या है? AB, BC and AC. यहाँ से बोल सकता हूँ AB, BC, BC, AC. Are tangents to circle? Are tangent to circle. तो अगर ये क्या है टेंजेंट्स हैं तो सेंटर की से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगी रेडियस के इक्वल होगी तो ओ की एबी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी किसके इक्वल होगी आर के इक्वल होगी तो लेट्स से एबी पे जो पॉइंट है जहां परपेंडिकुलर डाला ये ई है सिमिलरली बीसी पे भी जो पॉइंट होगा उसकी भी डिस्टेंस क्या होगी आर के इक्वल लेट्स से वो पॉइंट ई है एंड सिमिलरली जो पॉइंट एसी पे होगा लेट्स से वो पॉइंट क्या है एफ है और उसकी भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी इक्वल टू आर हो जाएगी अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू व्हाट इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ अब इसे मैं क्या करूंगा तीन एरियाज में डिवाइड करूंगा कैसे एक एरिया में कैलकुलेट करूंगा ए बी ए ओ बी ट्रायंगल का एक ये वाला एरिया हो जाएगा ट्रायंगल हो जाएगा दूसरा ट्रायंगल क्या होगा एक ट्रायंगल हो जाएगा ए सी ओ ये सेकंड ट्रायंगल हो जाएगा एंड देन थर्ड ट्रायंगल कौन सा होगा थर्ड ट्रायंगल होगा बी ओ सी वाला ये तीन ट्रायंगल्स हो जाएंगे हमारे तो इन तीनों ट्रायंगल्स का मैं सम क्या करूंगा कैलकुलेट करूंगा तो एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ये बी ओ सी प्लस क्या हो जाएगा थर्ड ट्रायंगल क्या है ए ओ सी तो एरिया ऑफ ए O, C. Now, अगर अब हम इम्पोर्टेंट बात देखूं, तो AB की लेंथ मुझे पता है 6 सेंटीमीटर है, AC की भी 6 सेंटीमीटर है, तो अगर ट्रायंगल AOB का अगर मैं एरिया लिखूं, तो ये क्या होता है? बेस इनटू हाइट होता है, और हाइट क्या है? ये अपोजिट वर्टेक्स से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला है, तो जो R हो जाएगी किसके इक्वल हो जाएगी? हाइट के इक्वल हो जाएगी. तो सिमिलरली पहले ट्रायंगल के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहां पे एरिया हो जाएगा 1/2 * AB * क्या हो जाएगा? OD और OD किसके इक्वल है R के इक्वल प्लस 1/2 अब BOC के लिए लिख रहा हूं मैं तो BOC के लिए क्या होगा 1/2 बेस क्या हो जाएगा आपकी बार BC और हाइट कितनी हो जाएगी R के इक्वल क्योंकि ये भी क्या है परपेंडिकुलर डाला है O से E पे हमने तो ये भी 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा हाइट हो जाएगी सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी इन ट्रायंगल AOC में ये भी क्या होगा 90 डिग्री है तो ये भी हाइट हो जाएगी तो ये आप इस केस में क्या लिखेंगे 1/2 * AC * R 1/2 * AC * R तो अब इन सब की साइड क्या है 6 सेंटीमीटर है तो वैल्यू क्या जाएगी यहां से भी आ जाएगी 3R + 3R + 3R हमने क्या करा R हमने साइड्स पुट कर ली साइड क्या है 6 सेंटीमीटर के इक्वल तो एरिया क्या गया हमारा 9R सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है क्योंकि सारी साइड्स क्या है सेंटीमीटर में अब हमें तीनों क्या बोलते हैं ये तो हमने क्या करा आर की फॉर्म में एरिया निकाला है 9R क्योंकि हमें इन रेडियस कैलकुलेट करनी थी सी लेकिन अगर हम क्या बोलते हैं हीरोस फार्मूला हेरोंस फार्मूला यूज करें तो क्या होगा हेरोंस फार्मूला से तो हेरोंस फार्मूला यूज करेंगे तो उससे डेल्टा क्या होता है डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इनटू एस माइनस ए इनटू एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी और एस क्या होता है एस इज इक्वल टू a plus b plus c by 2 तीनों साइड्स क्या है यहां पे 666 तो a plus b plus c 18 18 by 2 is 9 तो s की वैल्यू आ गई 9 तो यहां से एरिया का जगह एरिया इज इक्वल टू ये ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं हम तो 9 9 into 9 minus a is 3 9 minus b is 3 and 9 minus c is 3 तो वैल्यू क्या हो गई है 9 into 9 into 3 तो वैल्यू क्या जाएगी इट इज इक्वल टू 9 root 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तो अब क्या होगा अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे इक्वल कैसे होंगे यहां पे जो हमने एरिया कैलकुलेट करा ये भी ट्रायंगल का एरिया है
और ऊपर जो हमने कैलकुलेट करा था 9 r सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी क्या है ट्राइंगल का एरिया था, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी, 9 r इज इक्वल टू 9√3। तो r की वैल्यू क्या जाएगी, 9 से 9 डिवाइड करेंगे तो r इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा, इन रेडियस की वैल्यू क्या गई, √3 सेंटीमीटर के इक्वल। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमने क्या करा, जो इन सर्कल है उसकी रेडियस तो कैलकुलेट कर लिया है, अब एरिया ऑफ इन सर्कल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, जनरल कोई से भी क्या होता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या है, √3 सेंटीमीटर, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू पाई इंटू √3 स्क्वायर। तो वैल्यू क्या जाएगी, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट, तो हमारा आंसर क्या है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ इन सर्कल। तो इन सर्कल एरिया इज 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।